वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई होप आपको भेजे हुए बाकी के दो वीडियोस आपने अच्छे से देखे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए, आगे बढ़ाने से पहले एक रिवीजन लेते हुए, मैंने आपको एक पीडीएफ के अंदर उनके रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था उसी का पीडीएफ भी आपको सेंड किया। आई होप आपने वो लिखा होगा और उसको अच्छे से प्रिपेयर भी किया होगा, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन का आंसर भी है। तो अभी से आप प्रिपेयर कर लीजिए, तो वीडियो के एंडिंग के बाद जब क्वेश्चन आंसर प्रिपेरेशन होगा तो आपको उसमें हेल्प रहेगी। अभी इसी तरह से इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बाकी के बचे हुए पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से आज हम स्टार्ट करते हैं। This system was like sweet poison. By implementing this system, Wellesley annexed many provinces and expanded the rule of the East India Company. Governor General Wellesley asked Tipu Sultan to accept the subsidiary alliance system, which he refused. For declining the alliance system, the company, with support from the Nizam, attacked Mysore in 1799. During this fourth Mysore War, Tipu lost his life while fighting against the British. ठीक, एक और चीज आपको यहाँ पे एक नोट डाउन करनी है। स्टार्टिंग के अंदर इन्होंने बोला कि दिस सिस्टम वॉज लाइक ए स्वीट पॉइजन। तो आपको पता होगा ना कि स्वीट पॉइजन किसको कहा रहे थे, इन्हें जो एक्सपेंस ऑफ द कंपनी रूल जो मैंने आपको सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम प्रिपेरेशन के लिए दिया था ना आगे, उसी को इन्होंने कहा है स्वीट पॉइजन। मतलब कि ये क्या है स्वीट पॉइजन, धीरे धीरे उनको मारेगा। पॉइजन आपने सुना कि पॉइजन यानी कि जहर। अब स्वीट पॉइजन क्यों कहा गया, कि आपको फुसला कर, बहला कर, उल्लू बना कर वो उसको उनके साथ अपना काम निकालते हैं, इसके लिए इसको स्वीट पॉइजन कहा गया है। ये एक वन वर्ड के अंदर भी आपको पूछ सकते हैं कि स्वीट पॉइजन किसको बोलेंगे, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को स्वीट पॉइजन कहा गया है। इसके पहले के वीडियो के अंदर हमने मैसूर थर्ड वॉर, तीन वॉर की बात करी थी ना, जिसके अंदर उसको हरा दिया था। यहाँ पे उसके बाद फोर्थ मैसूर वॉर हुआ जिसके अंदर टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। टीपू सुल्तान है वो फोर्थ मैसूर वॉर के अंदर लड़ते हुए शहीद हो गए थे ब्रिटिशर्स के हाथ में। ये कौन से साल में वॉर हुआ था, अगर आपको कोई पूछे तो आपको याद होना चाहिए ये हुई थी 1799 यानी कि 1799 के अंदर ये फोर्थ मैसूर वॉर हुई थी टीपू सुल्तान के सामने और उसके अंदर उनकी डेथ हो गई। After Wellesley, Hastings came to India as Governor General. He waged a war with Nepal and made the Gurkhas to join the army. Hastings fought a battle with the Pindaras and took control over them. With the Third Maratha War, the supremacy of the company was established. धीरे धीरे वो लोग हर किसी के साथ हाथ मिलाकर, उनके साथ मिलकर, उनके जो विरोधी हैं, जो दुश्मन हैं, उनके साथ वो जंग करते और जीतते। यही उनकी स्ट्रेटेजी थी जो वो सबसे पहले से ये लोग फॉलो करते आ रहे हैं। In comparison to the earlier governor generals, William Bentinck is known as the liberal governor general. आपको पूछे लिबरल गवर्नर जनरल किसको कहा गया है, तो उसमें आपको ये नोट डाउन करना है आपकी बुक में कि कंपैरिजन करें अर्ली इसके पहले के गवर्नर जनरल के अंदर विलियम बेंटिक को माना जाता है, कहा जाता है लिबरल गवर्नर जनरल, नाम दिया गया है कि लिबरल गवर्नर जनरल कौन थे या किसको कहा गया है, पूछते हैं ब्लैंक्स और एमसीक्यू में, तो आप विलियम बेंटिक ये नाम आपको याद रखना है, तो आपको ये आपकी बुक में आईएमपी नोट के फॉर्म में लिखना है। That the dissatisfaction in different states due to the imperialist policy adopted by the previous governor generals could not bring about any unity. He was very liberal in his dealings. Dalhousie came to India as the governor general in 1848. Dalhousie came to India. IMP note है, आप अपने बुक में लिखेंगे कौन से साल में आए हुए? 1848 के अंदर वो इंडिया के अंदर आए। He was a fierce imperialist. Dalhousie adopted the policy of annexation for the expansion of the company and British imperialism in India. Dalhousie's policy of annexation. Under Dalhousie's policy of annexation, Punjab and Begu, or Lower Burma, were annexed by war. Satara, Jaipur, Sambalpur, Udaipur, Jhansi, Baghat and Nagpur were annexed due to a king dying without heir. However, was king dying without heir? यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई राजा है वो अपना मर जाए बिना किसी औलाद के, मतलब किसी बेटे के, तो उसकी जो किंगडम है, उसका जो राज्य है,
वो अपने आप ब्रिटिशर्स का हो जाएगा, ये एक पॉलिसी लेकर आए थे। ये चीज़ें खास देखना, उनकी एक सबसे डेंजर पॉलिसी में से ये एक थी कि अपना ही राज्य, अपना ही किंगडम के अंदर से अगर कोई भी राजा मर जाता है अपना राज्य सौंपे बिना या अपना बेटे के बिना, तो वो राज्य अपने आप ब्रिटिशर्स के हवाले कर देना पड़ता है। Was annexed on pretext of mismanagement. Nizam's province was annexed on pretext of debt collection. Moreover, Karnataka and Tanjore were annexed to end a namesake rule. मतलब ये लोग और क्या करते थे कि आप लोग अपना मैनेजमेंट बरोबर नहीं कर सकते, ठीक से नहीं करते, उस बहाने से भी वो लोग उस पर कब्जा करते थे। और यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि मोर ओवर कर्नाटका एंड तंजोर और एनेक्स ने कब्जा किया एंड में सिर्फ रूल के नाम पर, क्या नाम पे कि भाई हम उसको अच्छे से चला सकते, ये रूल के नाम पर। उनको इंसोर्ट क्या करना था, जब से आए थे तब से उनका टारगेट यही था कि ऑल ओवर इंडिया को ये लोग अपने अंडर में करना चाहते थे। तो ऑलमोस्ट इन्हें किया भी था, काफ़ी साल 200 साल तक इन्होंने यही चीज़ को फॉलो की है। ये हम स्टार्टिंग देख रहे थे, पूरे चैप्टर में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने ये कैसे धीरे धीरे स्टार्ट किया। और इसमें हमारी भी काफ़ी गलती है कि हमने उन पे ज़्यादा भरोसा किया ताकि अपने इंडियंस यहाँ के भारत के लोगों पे, और उनके साथ मिलकर ही अपने अपने भारत के लोगों के साथ जंग की, लड़ाई की, उनको हराया और धीरे धीरे इस तरह से वो स्ट्रॉन्ग होते गए। Besides being an imperialist, Dalhousie was also a reformist. The railway line in India between Mumbai and Thane, 1853 AD, wireless system between India and England, establishment of public works department, English education, etc., were all introduced during his tenure. इनके टाइम पे ये जो जो चीज़ें सामने आई है वो सब आपको वीडियो पोस्ट करके अपनी बुक के अंदर नोट डाउन करना है कि कौन से साल पे इन्होंने ट्रेन सर्विस, रेलवे सर्विस स्टार्ट की, इंटरनेट सर्विस, कॉल सर्विस स्टार्ट की, ये सब आपको अपनी आईएमपी बुक्स मतलब फेयर बुक के अंदर आपको नोट डाउन करना है। He passed laws to ban child marriage and advocated widow remarriage. Within 100 ये एक आईएमपी फॉर्म में लिख देना याद से कि फर्स्ट रेलवे लाइन जो इंडिया के अंदर स्टार्ट हुई थी वो कौन किसके बीच में हुई थी, वो एक खास अपनी बुक में बता देना कि मुंबई टू ठाणे और कौन से साल में, तो 1853 एडी के अंदर ये स्टार्ट की गई थी। ये खास एक आईएमपी के फॉर्म में अपनी नोटबुक के अंदर आप लिख लेना। 100 years from the battle of Plassey in 1757 the British rule and the empire both expanded. मतलब इतने साल के बाद बैटल ऑफ प्लासी 1757 ब्रिटिश रूल एंड एम्पायर बोथ एक्सपेंडेड, मतलब क्या होते गए, बढ़ता गया। इन्होंने अपना पहला कदम रख दिया था बैटल ऑफ प्लासी से लेकर, फिर ये लोग कभी रुके ही नहीं, वो अपना जो एम्पायर है वो बढ़ाते ही गए, एक्सपैंड करते गए। बट इन द प्रोसेस दे हैड टू फेस द डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द इंडियन स्टेट्स एंड दिस वाज मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन 1857 एडी। अब इनका इतना बुरा व्यवहार ये लोग जो जो करते थे तो लोग हैं वो ऑब्वियसली भड़केंगे, गर्म होंगे, तो इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो उनके विरोधी हो गए, स्ट्रगल करने लगे, उनका विरोध करने लगे, उनके खिलाफ हो गए। तो सबसे पहला इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, मतलब इनको यहाँ से निकाल छोड़ने का, स्टार्ट हुआ है 1857 एडी। आईएमपी नोट है, फिर से आपको लिख लेना है आपकी बुक में कि द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्ट इन 1857 एडी। Economic impact of the company. When we evaluate the 100 years of company rule in India, we realize that India, which had an enviable position in the world in the previous centuries, became merely a country that produces raw material for England and a prospective market for goods produced in factories. Bengal exported cotton cloth, raw silk, sugar, jute, muslin. That is from 1708 to 1756. But after the dual power policy, the glitter of the economic prosperity of Bengal faded. The unfair revenue collection policy by the company made the Indian peasant a debtor. इनके आने के बाद इन्होंने हर एक चीज के ऊपर कब्जा कर लिया, हर चीज जो इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल, आपको पता है रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल जो होता है, और यहीं से वो लोग लेकर अपने कंट्रीज के अंदर वो लोग उसको मैन्युफैक्चर करते हैं और महंगे दामों के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इंडिया के अंदर भी वो यहीं से रॉ मटेरियल ले जाने वाली चीज़ों को यहीं ज़्यादा दामों में बेचते हैं। और यहाँ पे जो पीसेंट है यानी कि यहाँ पे जो फार्मर्स हैं, यहाँ के जो मजदूर लोग हैं, उनके पास से ज़्यादा डेट वो है वो उनके पास से लेते। इसके पीछे का रीज़न क्या था कि वो चाहते थे कि यहाँ के लोग हैं वो आगे ना आए, अभी गरीबी और कर्ज के अंदर ही रहेंगे तो वो उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे।
वो खुद आगे नहीं आ, मतलब वो खुद आगे ही कभी नहीं आ पाएंगे, यही उनकी स्ट्रेटेजी थी जिससे कि उनका कंट्रोल है वो इंडिया के ऊपर हमेशा बना रहे। इसके लिए उन्होंने ड्यूअल पावर पॉलिसी भी अपनाई राजा के साथ। आगे के वीडियोस के अंदर जैसे मैंने आपको बोला है कि उनका एक मेंबर है वो राजा के दरबार के अंदर इंक्लूड ही रहेगा और जो वहां का किंग है वो सिर्फ नेमसेक के लिए ही रहेगा। The British government imposed unfair taxes on the Indian cloth industries. They adopted various deceitful practices to ruin the prosperous Indian industries, because of which it completely collapsed. इन्होंने क्या कोशिश की, जैसे कि मैंने आपको बोला इन्होंने अनफेयर टैक्सेस डाल दिए अपने इंडिया के अंदर, अनफेयर के जो फेयर ही नहीं है जबरदस्ती इन्होंने डाला। क्या चाहते थे ये, चाहते थे कि इंडियन की जो प्रोस्पेरेसी है वो रुइन हो जाए, यानी कि तबाह हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, हमारी इकोनॉमी है वो कभी आगे ही ना आए। इसके लिए वो जितना ज़्यादा हो सके इतना ज़्यादा वो टैक्सेस कर बढ़ा देते और ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर जुल्म करते हैं जिससे कि वो वहीं पर रुइन हो जाए, तबाह हो जाए और जो इंडियन इंडस्ट्रीज है वो कोलेप्स हो जाए, जो कि हैंडमेड जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, कभी हमको मैन्युफैक्चर बड़ा आगे बनाने ही नहीं दिया, तो वो कोलेप्स करने के लिए, हमको तबाह करने के लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट बढ़ाए, टैक्सेस बढ़ाए, एक्सेट्रा। The Indian artisan became poor and unemployed. The company traders forced the weavers of Bengal to sign contracts for providing definite quantity of cloth in a short period. जबरदस्ती उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया कि इतनी क्वांटिटी जितनी हम मांग रहे हैं उतनी कम से कम वक्त के अंदर हमको मिल जानी चाहिए, फोर्सली काम करवाते उनके पास से, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई, वहाँ के जो लोग थे उनको अनएम्प्लॉयड कर दिया जिससे कि रोजगार बंद हो गया, नौकरी बगैर के हो गए, कामकाज बिना के लोग हो गए, मतलब पूरी इकोनॉमी इंडिया के पूरे लोगों को, ये लोग इतने सोचा था कि इनको हम हमारे पेट के नीचे ही रखेंगे और इनको डिस्ट्रॉय ही कर देंगे जिससे कि ये आगे बढ़ के हमारे सामने ना आए। If the weaver refused, he would be punished by being lashed or jailed. Before the arrival of the company, the Indian villages were self-reliant and prosperous. But under the company rule, they became dependent and poor. मतलब इनके आने के पहले हम कैसे थे, तो कि बहुत अच्छे, हम अच्छे से हमारा बिजनेस कर सकते थे, इंडिया को आगे ला सकते थे, सब अच्छे से रहते थे, कब तक, जब तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद क्या हो गया, तो कि हर चीज़ चेंज हो गई, सब बदल गया, लोग गरीब हो गए, पुअर हो गए, कर्जदार हो गए, अपना बिजनेस बंद हो गया, और भी बहुत सी मुसीबतें इंडियंस लोगों पे आ गई। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई एंड ठाणे एंड स्टीमर सर्विस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड वाज स्टार्टेड एंड डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट्स इन मुंबई, मद्रास, चेन्नई एंड कोलकाता आल्सो टुक प्लेस। ये आपके नोट के अंदर आपको एक और चीज़ लिख लेनी, जैसे कि हमने मुंबई टू ठाणे इसके पहले का पॉइंट से आपने लिखा होगा, उसके बाद उन्होंने डेवलप किए पोर्ट्स कहाँ कहाँ पे, तक मुंबई, मद्रास, कोलकाता एंड ऑल्सो टू प्लेस, यहाँ पे इन्होंने अपने पोर्ट से उसको डेवलप किया। Social impact of the company rule. During the British administration, the spirit of freedom of speech and thought developed among people due to the development of newspapers. In the Indian society, certain wrong social customs, rites and rituals were prevalent during this time, like sati system, female infanticide, child marriage, etc. Raja Ram Mohan Roy, Durga Ram Mehta, Behramji Malbari, etc., were the stalwarts whose role was instrumental in getting the laws passed with the help of Britishers. As the administrative framework in India was anglicized, there was a demand for people with knowledge of English. English education began to be imparted in India due to Lord Macaulay's endeavors. As recommended by Charles Wood, universities were established in Mumbai, Madras, and Kolkata. एक चीज़ सामने आई है, इसके अंदर आपको बताया गया है कि उनके टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो डेवलप अमंग द पीपल, वो डेवलप हुई कहाँ से, तो कि न्यूज़पेपर। फिर इंडियन सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो गलत है, जो पहले से चली आती है, जैसे कि कस्टम रिचुअल्स एंड रिचुअल्स वर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग लाइक सती सिस्टम, फीमेल इन्फेस्टिसाइड, चाइल्ड मैरिजेस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमने 8th में मैंने आपको पढ़ी थी और उसको दूर करने के अंदर एक नाम भी आया, कॉमन नाम आपने वापस सुना होगा, राजा राम मोहन रॉय, दुर्गा राम मेहता और बहराम जी मालबरी,
ये सब वो लोग थे जिन्होंने यहाँ पे ब्रिटिशर्स की हेल्प लेकर उन्होंने ये सब प्रथा है उनको बंद करवाई और यहाँ पे इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन है वो स्टार्ट किया। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के अंदर ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट हुई कहाँ पर, ठीक है, मद्रास, मुंबई एंड कोलकाता के अंदर। A whole class of people with knowledge of English developed because of English education. With the passage of time, this group made demands for social reforms and gave momentum to the process of reforms. Conclusion. Thus, the East India Company came to India being allured by the prosperity and trade opportunity. The company rule in India produced certain good and bad results in the political, economic, social and cultural fields. The company adopted the policy of making England prosperous at the cost of India, and the reforms they made in the administration for their own interest indirectly proved to be beneficial for India. तो यहाँ पे आपने देखा ये पूरे चैप्टर के अंदर इन्होंने क्लियर कहा गया है कि वो किस लिए आए थे और आकर इन्होंने क्या-क्या किया और कैसे किया। लास्ट में इन्होंने एक चीज़ क्लियर बता दी कि उनका पॉलिसी क्या थी, उनकी पॉलिसी यही थी कि इंग्लैंड है वो किसी भी हालत में प्रोस्परस हो, फिर चाहे उसकी कोई भी कीमत इंडिया को चुकानी पड़े। ये खास ये चीज़ इन्होंने क्लियर इसके अंदर बताई है कि उनको प्रोस्परस करने के लिए वो इंडिया को किसी भी हद तक तबाह करने के लिए तैयार थे। तो ये पूरे चैप्टर के अंदर आपने अच्छे से ये समझ लिया कि ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किस तरह से आए, कैसे कब्जा किया, क्या क्या किया, किस जगह पर इन्होंने किस तरह से अपनी पॉलिसी को इन्होंने एडॉप्ट किया, लोगों से अपनाया और इन्होंने अपने इंडिया को काफ़ी हद तक रुइन किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। ओवरऑल पूरा चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इस रिलेटेड जितने भी PDF है वो आपको दो मिल गए और ये लास्ट PDF है वो कल मैं आपको सेंड करूँगा। ये क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपने फेसबुक में लिखने हैं और प्रिपरेशन अभी से ही आपको स्टार्ट कर देनी है ताकि स्कूल स्टार्ट होते ही आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करते ही पूरा चैप्टर भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से याद हो जाएंगे। घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।